गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? मुझे लगता है आप लोग सबके सब ठीक होंगे। चलो बेटा, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा क्या? मैथमेटिक्स। क्या पढ़ाऊंगा? मैथमेटिक्स। तो क्लास फोर्थ मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ मैथमेटिक्स। जैसे कि मैंने आप लोगों को लिखा है, यहाँ पे कौन सी क्लास है? क्लास फोर्थ। मैथ्स पढ़ाऊंगा आप लोगों को चैप्टर फर्स्ट। जो आपका चैप्टर है बेटा फर्स्ट, वो किसका चैप्टर है? रिवीजन का। रिवीजन क्या? जो आप क्लास थर्ड में पढ़ के आए ना, उसी को रिवाइज करते हैं हम एक बार दोबारा से। ठीक है, चलिए। ये देखिए आप लोगों की बुक है मेरे पास। ठीक है, कौन सी क्लास की बुक है? क्लास फोर्थ की बुक है मेरे पास। चलिए इसको खोलते हैं और देखते हैं क्या है। ये आपका पहला चैप्टर है रिवीजन का। कौन सा चैप्टर है बेटा? रिवीजन का। तो लेट्स प्ले द मैथमेटिक्स, शुरू करते हैं। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। क्या करना है बेटा आपको? राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड। इन नंबरों को किस में लिखना है? वर्ड्स में लिखना है। ये आपका पहला क्वेश्चन है ना। चलिए पहला देखिए क्या है। ये 4567। कितना है बेटा? 4567। चलिए लिखते हैं यहां पर अपना। आप देख रहे हैं मैंने उतार दिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट। कितना देख पढ़ा था हम लोगों ने? 4567। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे आपको पता नहीं। कौन सी प्लेस है ये? वंस प्लेस है। कौन सी प्लेस है? वंस प्लेस। जहां पे मेरा देख रहा है, मैं जहां पर निशान कर रहा हूं, वंस प्लेस है। ये टेन प्लेस है, ये हंड्रेड प्लेस है, और ये कौन सी प्लेस है? थाउजेंड प्लेस है। चलिए देखते हैं। फोर एफ ओ यू आर, फोर थाउजेंड टी एच ओ क्यू एस ए एन डी, थाउजेंड 567। देखिए मैंने लिख दिया 4567। देख रहे हैं आप लोग, सबको दिखाई दे रहा है? इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, चलिए इसका बी पार्ट देखते हैं। कितना है? 7059। कितना है बेटा? 7059। चलिए इसको भी लिखते हैं। 7059, 7 SEVEN, 7000। अब देखिए 100 की प्लेस पे जीरो, तो यहां पे कुछ भी नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डायरेक्ट 59। ठीक है, यहां पर आपका कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं इसका सी पार्ट क्या है। 886। ठीक है, डी पार्ट है 9137, और ई पार्ट क्या है? 6059। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, अपनी कॉपीज पे करिएगा, होमवर्क कॉपी पे। ठीक है, और अगर होमवर्क कॉपी ना हो पाए तो लास्ट ईयर की जो आपके पास कॉपीज रखी होंगी ना, उसमें कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मुझे चेक करा दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर। क्या करना है बेटा इसको? नंबर्स को किस में लिखना है? फिगर में। दोबारा पढ़ देता हूं मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर। इन नंबरों को किस में लिखना है? फिगर में लिखना है। देखिए यहां पे पहला क्या है? 6745। कितना लिखा है? 45। क्या लिखा हुआ है पहला? 6745। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। तो देखो हम लोग शुरू करते लिखते हैं इसको। सिक्स थाउजेंड 745। ठीक है, लिख लिया हम लोगों ने पूरा इसको। चलिए देख लीजिए आप 6745। अब इसको लिखते हैं 6745। ठीक है, समझ में आ गया कैसे लिखना है इसको। चलिए इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। 209। कितना लिखा है बेटा? दोबारा से देख लो, 209। बी पार्ट में क्या लिखा है? चलिए इसका बी पार्ट करते हैं।
ये लिख दिया मैंने 200 नाइन, अब इसे लिख देते 209 टेन की प्लेस पे बेटा यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या आ जाएगा जीरो, क्या आ जाएगा जीरो। चलिए बेटा अब थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, आपका थर्ड क्वेश्चन क्या है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, किसमें अरेंज करना है बेटा इसे असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर कौन सा ऑर्डर होता है छोटे से बड़ा, सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद सबसे बड़ा, इस तरीके से आपको अरेंज करना है। ठीक है पहले देखो पहले पार्ट में कितना है 4214, उसके बाद कितना है 3674, उसके बाद कितना है 7219, उसके बाद कितना है 1263 और लास्ट में कितना है 8407। ठीक है अब हम इसको अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है इसको किस में अरेंज करेंगे हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में, आपने क्वेश्चन देख लिया, क्वेश्चन लिखने की जरूरत है नहीं आप लोगों को। चलिए मैं अब इसका आपको डायरेक्ट आंसर लिख के दिखाता हूँ। चलिए ठीक है देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे कितना है 4, यहाँ पे कितना है 3, यहाँ पे कितना था 4, यहाँ पे कितना है 3, यहाँ पे कितना है 7, यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे कितना है 8। पहला डिजिट अगर हम लोग देखें तो सब में सबसे छोटा कौन सा है ये वाला, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो सबसे पहले कौन सा आएगा 1263। तो चलिए लिखते हैं इसको 1263। ठीक है अब देखो यहाँ पे दूसरा डिजिट कौन सा आएगा 3, कौन सा डिजिट आएगा बेटा 3674। फिर कॉमा लगा के आप दूसरा डिजिट लिखेंगे 3674, फिर कॉमा लगा दीजिए, उसके बाद कौन सा लिखेंगे आप देखिए कौन सा बड़ा है 4214। तो अब यहाँ पे कौन सा लिखेंगे बेटा 4214। ठीक है उसके बाद देखिए कौन सा कितने डिजिट हो गए, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, कौन से बचे हैं ये दोनों बचे हैं, यहाँ पर 7 है यहाँ पर 8 है, तो सबसे पहले कौन सा आएगा 7219। तो यहाँ पे लिख देते हैं बेटा 7219 और लास्ट में कौन सा बचता बेटा 8407। ये लास्ट ईयर लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों को कराया था, समझ में आ गया। ठीक है एक और पार्ट करके दिखाऊं आप लोगों को। चलिए यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी 5 है, 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 यहाँ पर भी 5 है। अब पहला डिजिट तो सबका सेम हो गया, अब कैसे करें, तो क्या करते हैं बेटा आप सेकंड डिजिट देखते हैं, क्या करते हैं सेकंड डिजिट देखते हैं कैसे। यहाँ पर देखिए 4 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है। ठीक है अब देखा आपने दो जगह तो 3 आ रहा है और दो जगह 4 आ रहा है, तो सबसे पहले 3 वालों को देखते हैं, एक तो ये 3 है और एक ये 3 है, एक ये 3 है और एक ये 3, जिस पर दोहरी उंगली रखेंगे, देख रहे हैं। अब 3 के बाद यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 9 है, तो कौन सा छोटा हुआ ये वाला छोटा हुआ, कौन सा वाला छोटा हुआ 4 वाला, तो पहले कौन सा आएगा 5349। चलिए यहाँ पर बी पार्ट लिखते हैं इसका आंसर 5349। उसके बाद फिर कौन सा आ जाएगा 5394। अब चलिए ये दोनों हो गए, अब कौन सा आएगा 5493 या 5439। ठीक है तो आप देख रहे हो यहां पर 3 और यहां पर 9 है, तो कौन सा आएगा 5439, बिल्कुल सही 5439। उसके बाद जब आप देखोगे उसके बाद आ जाएगा फिर 5493 और लास्ट में बेटा कौन सा आ जाएगा 5943। ठीक है समझ में आया बिल्कुल। चलिए अब ये बाकी के पार्ट जो देख रहे हैं आप लोग, सी पार्ट 2056, 5026, 6205, 5260, 6025 और डी पार्ट है 5490, 5490, 5940, 5094 और इसका ई पार्ट है 3905, 8104, 8796, 6099, 8401। ये तीनों पार्ट आपको कहाँ करने हैं, अपनी अपनी कॉपीज में करने, कहाँ करने बेटा अपनी अपनी कॉपीज में करोगे। ठीक है चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4th पे चलते हैं।
चलिए इसको भी मैं आपको करके दिखाता हूँ बेटा। इसमें कहाँ पे अरेंज करना, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब बड़े से छोटा, क्या सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे बड़ा, उसके बाद छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर 6059 है, 5,969 है, 9,056 है, 5,096 है और 5,690 है। आप देखिए यहाँ पर देख रहे हैं तो पहले दो डिजिट में 5 मिल रहा है हमें, तीन डिजिट में, पहले इन तीनों में देखेंगे तो आप सबसे पहला नंबर कौन सा है, 555, ठीक है, तो ये तो सेम हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 6, तो कौन सा आएगा, 0 वाला। अब 0 के बाद देखते हैं कौन सा छोटा है, तो देखो तो ये वाले छोटे हैं, लेकिन हम इसमें करेंगे क्या, छोटे नहीं देखेंगे हम, इसमें सबसे बड़ा देखेंगे। तो हमें किसमें लेके चलना है, सबसे बड़ा कौन सा है यहाँ पे, 9,056। तो चलो पहले क्वेश्चन नंबर 4th का लिखते हो, क्या बताया था मैंने आपको, 9,056, ये सबसे बड़ा हो गया। उसके बाद कौन सा आएगा बेटा, 6,059। चलिए लिखते हैं यहाँ पे 6,059। उसके बाद देखो क्या आएगा, 5,069, 5,096, 5,690। तो क्या आएगा, 5,690। यहाँ लिख देते हैं 5,690। और लास्ट में कौन सा बचती है मित्र दोनों, 5,096, और लास्ट में बचता है 5,069। ठीक है, ये करके मैंने आपको दिखा दिया है। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे इसका बी पार्ट देखते हैं, 4,765, 4,478, 4,117, 4,217, सॉरी बेटा 5,200, 5,748। अब पहले कौन सा आ जाएगा बेटा, 5,000 वाला, क्योंकि ये तीनों के तीनों तो 4 है, 4 वाला तो छोटा हो गया, सबसे बड़ा कौन सा नंबर है, 5,748। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इसका बी पार्ट, 5,748, ये लिख लिया हमने। चलिए इसके बाद दूसरा लिखते हैं, 5,200, तो ये 5,200 दूसरा पार्ट लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर 4,700, 4,400, 4,200, तो 4,700 उससे बड़ा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4,765। उसके बाद आ जाएगा 4,478, 4,478, और लास्ट में क्या बचता है, 4,217। यहां पर मैंने करके दिखा दिया, बाकी की जो तीनों पार्ट है वो क्या करेंगे आप लोग देख लीजिए, इसमें अपने आप करेंगे, क्या करेंगे, अपने आप करेंगे। ओके, करके दिखाएंगे ना मुझको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, ऑब्जर्व द पैटर्न एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज। आपको पैटर्न को ऑब्जर्व करना है और इस सीरीज को कंप्लीट करना है, ठीक है। अब पैटर्न देखो यहां पे कितना है, 4,055, 4,060, 4,065, 4,070, 4,075। अब बेटा आप यहां पर देख रहे होगे तो सब में आपने देखा होगा 5-5 का डिफरेंस आ रहा है, यहां पे 5 का डिफरेंस है, यहां पर 5 का डिफरेंस है, यहां पर 5 का डिफरेंस है, यहां पे 5 का डिफरेंस। कैसे डिफरेंस है, इन्होंने हर नंबर में 5 को ऐड कर दिया, यहां पे 5 को ऐड करा तो ये हो गया, यहां पे 5 को ऐड करा तो ये हो गया, यहां पे 5 को ऐड करा तो ये हो गया, यहां पे 5 को ऐड करा तो ये हो गया। आपको कितने बनना है, 4 बनना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5th करके दिखाते हैं आपको क्या होगा। अब देखिए 4,075 है, इसमें कितना ऐड करेंगे, वैसे जैसे मैंने अभी आपको बताया था 5 ऐड करेंगे, तो देखिए 4,076, 77, 78, 79, 80, ये देखिए 5 हो गए, तो क्या लिखेंगे आप, 4,080, ठीक है, ये पहला हो गया। अब इसमें फिर 5 ऐड कर लीजिए, 4,081, 82, 83, 84, 85, 4,085, क्लियर। फिर ऐड करिए उसमें ऐसी, तो क्या हो जाएगा, 86, 87, 88, 89, 90, 4,090। उसके बाद फिर करते हैं बेटा 91, 92, 93, 94, 95, तो कितना हो जाएगा, 4,095।
चार नंबर लिखने थे, आपने चारों नंबर लिखकर दिखा दिए, ठीक है। अब बी पार्ट देखिए, इसका बी पार्ट में क्या है, इसके 3104, 3204, 3304, 3304, 3504, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे 100 का फर्क आ रहा है। इसमें 100 में, इसमें 100 ऐड किए तो ये मिला, इसमें 100 ऐड किए तो ये मिला, इसमें 100 ऐड किए तो ये मिला, इसमें 100 ऐड किए तो ये मिला। अब आपको भी ऐसे करना है 100 ऐड करने सब में। तो देखो यहाँ पे कितना आता, 3104, 3204, 3304, 3304, 3504, आगे क्या हुआ 3604। तो चलिए लिखते हैं 3604, ऐसे आगे लिखेंगे, फिर क्या हो जाएगा 3704, फिर क्या हो जाएगा 3804, फिर क्या हो जाएगा 3904। ये यहाँ पे क्वेश्चन पार्ट कंप्लीट होता है इस क्वेश्चन का। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है आपकी बुक की, ये देखो तीनों पार्ट देख रहे हो आप लोग, इन तीनों पार्टों को कंप्लीट करोगे, क्या करोगे कंप्लीट करोगे, और मुझे दिखाओगे होमवर्क में। ये तीनों पार्ट देख लो आप लोग पैटर्न को, फिर मुझे करके दिखाओगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ऑब्जर्व द पैटर्न एंड राइट द मिसिंग नंबर, क्या करना है आपको, ऑब्जर्व करना है पैटर्न को एंड जो मिसिंग नंबर है उसको यहाँ पर लिखना है, क्या करना है उसको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। कैसे लिखेंगे मैं आपको करके दिखाता हूँ, यही इसी बुक पर ही करके दिखाता हूँ। चलिए बेटा देख रहे हैं आप इसको, अब देखिए यहाँ पे कितना है 1000, 1010, 1020, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 1030, ठीक है, फिर 1040, फिर 1050, फिर 1060 और फिर ऐसी 1070, क्लियर। अब आपने देख लिया क्या आएगा वहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं, ये वन पहला पार्ट इसका कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया सबके कैसे होगा, ठीक है। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, यहाँ पे कितना है 2050, 2050, 3100, 4050। अब ये देखना पड़ेगा कि भाई ये पैटर्न है कैसा, तो आप इस पैटर्न में देखोगे बेटा तो कैसे निकाल सकते हो आप इस पैटर्न में कितने का फ़र्क है, तो मैं आपको बताता हूँ करने का तरीका। क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट कैसे देखोगे आप, यहाँ पर आपने देखा तो आप क्या करो, जो दूसरा नंबर दे रखा है 3100 में से 2050 को माइनस करके देखो। जब आप माइनस करोगे यहाँ पर तो आप देखोगे कितना आ रहा है, देखिए माइनस किया मैंने यहाँ पर, जीरो में से जीरो गए, जीरो बचे, यहाँ से कैरी ले लिए कितने हो गए बेटा यहाँ 10, 10 में से 5 गए कितना बचा 5, यहाँ पे हो गया जीरो, जीरो में से जीरो गया जीरो, यहाँ पे 3 में से 2 गया 1, 150 का फर्क आया, 1050 का, कितना 1050 का फर्क आ रहा है। यहाँ पे क्या करना है आपको, हर नंबर में 1050 को ऐड कर देना है, क्या कर देना है ऐड कर देना है। चलिए अब करके देखते हैं इसमें ऐड, ठीक है। चलिए जब इसमें हम 1050 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो मैं करके दिखा देता हूँ यहाँ पर आपको, 4150 में 1050 को ऐड करना है, 0, 5, 5, 10 होते हैं कि 0, कैरी 1, 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पर आप इस तरीके से लिखते होगे 5200, कितना 5200। अब इसमें क्या करेंगे, फिर इसमें 1050 को ऐड कर देंगे इसी तरीके से, ये मैंने आपके लिए फिर ऐड कर दिया, प्लस कर दिया, कितना आया हमारा 6250, क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए फिर आप ऐड कर देंगे इसमें 6250 में 1050 को फिर ऐड कर देंगे, 0037, कितना मिला 7300 मिला आपको यहाँ पर प्लस किया हमने पे, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 7300, क्लियर हो गया। अब फिर उसमें ऐड करेंगे 7300 में, यहां पर लिख देंगे 8350। अब लास्ट एक और बार ऐड करेंगे हम लोग 8350 में, जब ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 9400। यहां पर फिल कर दीजिए आप इसको,
9400। ठीक है, समझ में आ गया कैसे करना है। चलिए आगे का पैटर्न देखिए, आप दिखाई दे रहा है आपको सबको, ये पैटर्न को आपको करके लाना है। क्या करना है, करके मुझे दिखाना है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब क्या होता है बेटा, बड़ा के लिखना। क्या करना है, एक्सपेंड कर देना किसी चीज को। क्या कर देना, एक्सपेंड का मतलब खींचना। क्या करना, खींचना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या था, राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो देखो यहाँ पर ए पार्ट देखते हैं कितना है, 4548। चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट, 4548। कैसे लिखते हैं इसको, जैसा बुक में दे रखा था वैसे बना लिया हमने यहाँ पर। चलिए सबसे पहले लिखेंगे 4, क्या डिजिट है 4। 4 के आगे कितने डिजिट है बेटा, 3। तो 3 जीरो लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से। फिर क्या है 5, फिर यहाँ पर 5 लिखेंगे, 5 के आगे कितने जीरो लगाएंगे हम लोग, 2। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, 4, कितने जीरो लगाएंगे हम यहाँ पर, 1। और लास्ट में क्या लिखेंगे हम बेटा, 8। ठीक है, इस तरीके से हम लिखेंगे, इस तरीके से इसको फिल करेंगे, समझ में आया। अब इसका सेकंड पार्ट देखो, 2940। चलो यहाँ पर इसका सेकंड पार्ट उतारते हैं, 2940। कैसे देखो यहाँ पर चारों, फिर मैंने बुक की तरह बना ली जैसे बुक में दे रखा है मैं बना हुआ। अब करते हैं, सबसे पहले क्या आएगा, 2। क्या आएगा, 2 के आगे कितने डिजिट है, 3। तो कितने जीरो लग जाएंगे बेटा यहाँ पर, 3। फिर क्या आएगा, 9 के आगे कितने जीरो लगेंगे बेटा, 2। फिर कितने आएगा, फिर क्या आएगा, 4 के आगे कितने जीरो लगेंगे, 1। फिर लास्ट में क्या आएगा, 0। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों की। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। राइट द फॉलोइंग नंबर इन शॉर्ट फॉर्म। क्या करना है बेटा, इसकी शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। क्या करना है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। चलो मैं आपको लिख के दिखाता हूं यहीं पर ही। क्या है, 5410 और 8। कितना है, 5410 और 8। इन सबको क्या कर देना है, आपको प्लस कर देना है। राइट द फॉलोइंग नंबर इन शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म का मतलब मैंने क्या बताया था अभी, शॉर्ट फॉर्म का मतलब होता है इसको शॉर्ट कर देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करके दिखाते हैं आपको। क्या था, 5000 प्लस 400 प्लस 10 प्लस 8। तो आप यहाँ पे देखिए 5410 प्लस 8 को जब आप प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 541 और 8 लिख दिया, हो गया शॉर्ट फॉर्म। चलिए 9647। ठीक है, अब इसको हम करते हैं इसी तरीके से, देखते हैं 9640 प्लस 7। फिर इसकी शॉर्ट फॉर्म कर देते हैं 9647। ठीक है, कितना आसान है, हो गया ना, आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिएगा मेरे कहने के बाद। अब ये तीनों पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, इन तीनों पार्ट को आप अपने होमवर्क में करेंगे, ठीक है, समझ में। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, इसे तो बुक पे ही कर लेते हैं बॉक्स में। देखो क्या लिखा हुआ है, कंप्लीट यूजिंग ग्रेटर देन और लेस देन सिंबल इन द ब्लैंक्स। क्या करना है बेटा आपको, कंप्लीट करना है, यूज क्या करना है आपको, ग्रेटर देन और लेस देन का साइन यूज करना है। ये बताना है आपको कौन सा नंबर बड़ा है या कौन सा नंबर छोटा है इन द ब्लैंक्स, इन ब्लैंक्स के अंदर, ठीक है। चलिए पहला पढ़ते हैं, 3505 5303। अब आप देखिए सबसे पहले कंपेयर करिए, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 5 है, तो कौन सा बड़ा हुआ, 5 बड़ा हुआ ना, 5 की तरफ निशान लगा दिए इस तरीके से, समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं, दी पार्ट 4055 3055। तो पहला पार्ट में देखिए आप, यहाँ पर 4 आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है पहले डिजिट में, तो क्या बड़ा होगा, 4 बड़ा होगा ना, इस तरीके से, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, 7422 और यहाँ पर कितना है, 4005। तो कौन सा बड़ा होता है, 4 बड़ा होता है, 7 बड़ा होता है, 7 बड़ा होता है ना, तो चलो इधर लगा देते हैं, समझ आया। आगे क्या दे रखा है, डी 5002 कितना हो गया, 5002 है, यहाँ पे कितना है, 3350। तो कौन सा बड़ा हो गया, 5 बड़ा हुआ ना, तो इस तरीके से, ठीक है।
ये मेरा बाहर निकल गया, आप अपने बॉक्स के अंदर लगाएंगे। क्लियर हो गया? बाकी के पार्ट्स आप देख लीजिए, इसके सारे पार्ट आप करके लेकर आएंगे। ई एफ जी एच आई और जी पार्ट, ठीक है, इस तरीके से करके लेकर आएंगे। चलिए आगे चलते हैं आज की क्लास के लास्ट चैप्टर का क्वेश्चन का देखते हैं। राइट द हिंदू अरेबिक नंबर ऑफ द फॉलोइंग रोमन न्यूमरल्स। आपको क्या करना है, राइट द हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स नंबर्स, हिंदू अरेबिक नंबर्स को लिखना है किसमें, रोमन न्यूमरल्स में। किसमें लिखना है, रोमन न्यूमरल्स को, ठीक है। चलिए ये रोमन नंबर दे रखे ना मेरे पास, चलिए मैं बताता हूँ बेटा इस सिंबल को कितने क्या लिखते हैं, टेन। क्या पढ़ते थे हम, टेन, याद आया? और इसको क्या पढ़ते थे, नाइन। तो कितना हो गया, इन दोनों को जब हम करेंगे पहले वाले पार्ट में देखेंगे, इसको टेन करते थे, इसको क्या करते थे, नाइन। तो कितना हो जाएगा, नाइनटीन। कितना हो जाएगा, नाइनटीन। समझ में आया कैसे हो गया, ठीक है। इसको देखो बी पार्ट, ये कितना है, एल। एल को क्या पढ़ते थे हम लोग, फिफ्टी। कितना पढ़ते थे, 50। और जब उसमें से 10 चला जाएगा, ये 10 पहले लगा हुआ तो 10 माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 40। कितना बचेगा बेटा, 40। 40 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 45। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ सी पार्ट देखते हैं इसका। यहाँ कितना लिखा हुआ, L। L का मतलब 50। और ये अभी मैंने आपको बताया था कितना होता है, 10। 50 प्लस 10 60। फिर 10 है यहाँ पे, कितना हो जाएगा, 70। और यहाँ पे देखिए कितने का सिंबल बनना है, 5 का। कितने का बनना है, 5 का। कितने हो गए, 75। 76, 77। ये टू काउंट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 77। इस तरीके से ये तीनों पार्ट जो हैं बेटा आपके, ये तीनों पार्ट कौन कौन से, डी ई एफ, आप लोग मुझे करके होमवर्क में दिखाएंगे, ठीक है, दिखाएंगे ना सबके साथ। चलिए आज के लिए इतना ही, मुझे आपको वीडियो पसंद आई, अच्छा लगा। चलिए कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी परेशानी हो, तो आप मुझे फ़ोन कर लीजिएगा स्कूल के नंबर पे, मैं आपको बता दूंगा कोई भी परेशानी हो, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर करके, होमवर्क करके मुझे दिखाइएगा सबके सब, ठीक है। थैंक यू।